सो हॉलीवुड सिप गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिटेल स्टोर सिमुलेटर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज अपन इस गेम के अंदर पैसे कमाने वाले क्योंकि गाइस आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे गेम के अंदर एक न्यू अपडेट आ रहा है जिसके अंदर न्यू बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट ऐड हो रहा है और उसके साथ साथ भाई हमारी गेम के अंदर न्यू सिटी भी ऐड हो रही है। तो गाइस सिटी के लिए तो अपन को पैसे नहीं लगेंगे बट अपन को न्यू प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अपन को ढेर सारे कुछ बहुत सारे कुछ अपन को है ना मतलब पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो गाइस अपन जो इस गेम के अंदर अभी जो है बहुत सारा कुछ यहाँ पे आइटम्स मंगाने वाले हैं और उसको सेल भी करने वाले हैं। सो गाइस देरी की इस बात की फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो ना तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस मैं आ चुका हूं अपने गेम के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने गेम के अंदर ना बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट पहले से भर के रखा हुआ है मैंने। अपने पास इतने सारे प्रोडक्ट है कम से कम ये 20-25,000 के सारे कुछ हमारे स्टोर के अंदर आइटम्स पड़े हुए। तो अपन को अभी कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अपन को मतलब वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे कुछ सेल होने में बहुत दिन लग जाता है। इस गेम के अंदर यही कमी है। बाकी तो गाइस हमारी गेम के डेवलपर को बोलना पड़ेगा और भी बहुत सारे कुछ NPC ऐड कर दो जिसके अंदर भाई एक साथ ना 20-25 नहीं तो 25-30 अगर कस्टमर्स आ गए ना तो भाई अपनी स्टोर फटाफट से लेवल अप भी होती जाएगी और पैसे भी आते जाएंगे और उसके साथ साथ भाई स्टोर के अंदर इतने सारे आइटम्स कितने जल्दी खत्म हो जाएगा ये अपन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर ये सारे कुछ अपडेट आ गया ना। तो गाइस हमारी गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ जाएगी इस गेम को प्ले करने के लिए। बाकी तो गाइस कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को मतलब गाइस सारा कुछ फ्यूचर अपडेट जो कि अभी अपन लोगों को 1-2 महीने के अंदर मिलने वाली है वो कौन सी अपडेट है ना सारे कुछ आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमारी गेम के अंदर वो एक ही अपडेट थी जो कि अभी तक हमारी ये वाली सुपर मार्केट गेम के अंदर नहीं है बट गाइस वो अपडेट आ रहा है वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा कि कौन सी अपडेट आने वाली है। मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताने वाला हूं तो कल वाली वीडियो को भी जरूर से वॉच कर लेना और आज वाली वीडियो को भी आप लोग पूरा का पूरा वॉच कर लेना। बाकी तो गाइस आप जो है पूरा का पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हो इसके वजह से गाइस मेरा व्यू ड्यूरेशन जो होता है ना वो पूरा का पूरा डाउन पे जाता रहता है। तो गाइस पूरा मेहनत पूरा बर्बाद होता है बट गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना यार सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है बस इतना तो काम आप कर ही सकते हो। बाकी तो गाइस अपना स्टोर के अंदर जितने भी कस्टमर्स है वो आ रहे और अपने कैश रजिस्टर के पास जाकर अपना पूरा का पूरा पैसा देकर कैश भी लेकर जाते हैं। मतलब गाइस आप पा सकते हो भाई कैश देकर अपना सारे कुछ प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं और उसके साथ साथ भाई पूरा का पूरा अपना कैश रजिस्टर भी एकदम मस्त काम करते हैं। अपने रीस्टॉकर्स भी एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैंने अपने स्टोरेज एरिया पे रख रखा है क्योंकि अगर मैं अपने बाहर रखता हूँ ना तो गाइस अपन लोगों को बहुत ही ज्यादा कुछ जो है ऐसा लगता है कि अपना स्टोर एकदम छोटा सा है। तो मैंने अपने स्टोर को ना पूरा का पूरा मैंने मैक्स अपग्रेड कर लिया है आप लोगों को पता होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में ना एंड स्क्रीन में दिखा दूंगा कि मैंने कौन से वाली वीडियो पे मैंने अपनी पूरी की पूरी स्टोर को ना मतलब गाइस मैक्स लेवल का अपग्रेड किया था। सारे के सारे कुछ सेल्फ को मैंने सिंगल सेल्फ को आगे रखा है और मैंने डबल वाले फ्रीजर जो वो है ना मतलब राइट साइड में रखा है पीछे पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एरिया और बीच में आप लोगों को जो है फ्रीजर का एरिया देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में आप लोगों को पूरा का पूरा फ्रीजर का एरिया देखने को मिलता है जो कि गाइस अपना स्टोर एकदम मस्त अपग्रेड लेवल का हो चुका है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है स्टोर। आप लोगों को ये स्टोर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी तो गाइस मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बाय गाइस।